तो भाइयों स्वागत है आपका एक नए YouTube वीडियो में। आज मैं बात करूंगा जो संडे को शाम को मैच होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के टॉप फैंटेसी पिक्स जो आपकी टीम में होने चाहिए ग्रैंड लीग के लिए। क्या हो सकता है बेस्ट कॉम्बिनेशन कैप्टन और वाइस कैप्टन का इस मैच में, तो बने रहना वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना हमारा यूट्यूब चैनल। तो शुरू में बात करूंगा यार मैं ग्रैंड लीग पिक्स चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो आपकी टीम में होने चाहिए। पहला नाम मैं बोलना चाहूंगा यार ऋतुराज गायकवाड़ का। पता है इनका करंट फॉर्म जो है बहुत ही शेकी है, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए इस साल, बट क्वालिटी प्लेयर हैं। एक रीजन मैं देना चाहता हूँ कि क्यों आपकी टीम में ये होने चाहिए कि अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, अपने होम ग्राउंड MCA पुणे में खेलेंगे, तो वहाँ की जो कंडीशंस है वहाँ पे ये आई थिंक एट होम फील करेंगे और इनको पता है कि कैसी पिच बिहेव करती है, वहाँ कौन से शॉट लगाने हैं। तो इसी वजह से ये बंदा ना आपकी ग्रैंड लीग में होना चाहिए। इस साल ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, जैसे कि मैंने कहा 7 का एवरेज है, सिर्फ 85 का स्ट्राइक रेट है, बट इस मैच में ये चल सकते हैं। बस इनको एक ही बॉलर से थोड़ा सा घबराना है शुरू है, वो है मोहम्मद शमी। अगर वो मोहम्मद शमी का स्पेल खेल लेते हैं तो आई थिंक ये बड़ा नॉक भी खेल सकते हैं। तो पहला नाम ऋतुराज गायकवाड़ ग्रैंड लीग में आपकी टीम में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे नाम की, मोइन अली। मोइन अली मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तो यार देखो 2-3 ओवर ये डेफिनेटली डालते हैं हर मैच में, प्लस ये टीम पे खेलते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं इनके दोनों फैसेट में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, दोनों में आपको पॉइंट्स दे सकते हैं ये। और एक और रीज़न है कि गुजरात टाइटंस की अगर आप टीम देखो, 3 ऑपोजिशन में लेफ्टीज हैं जो खेल सकते हैं उस मैच में। आई थिंक साई सुदर्शन का भी कमबैक हो जाएगा, डेविड मिलर हैं, मैथ्यू वेड हैं, तो 3 लेफ्टीज हैं, तो ये बॉलिंग भी करेंगे, 3 पे खेल के बैटिंग भी करेंगे और इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है जो ऑपोजिशन में बॉलर हैं गुजरात टाइटन्स के। तो मेरे को लगता है मोइन अली का जो बैटिंग स्टाइल है ना MCA की जो पिच है पुणे में वो सूट करेगी, इसीलिए ये बंदा आपकी टीम में होना चाहिए, अच्छा और बड़ा स्कोर कर सकते हैं ये भी। तीसरा नाम CSK की तरफ से जो मैं लेना चाहता हूँ वो है महीश दीक्षाना। महीश दीक्षाना एक स्प्लेंडेड विकेट टेकिंग फॉर्म में है। आई थिंक 4 विकेट ली थी इन्होंने लास्ट मैच में RCB के अगेंस्ट और अपनी टीम को मैच जिताया था। पुणे की विकेट ना ट्रेडिशनली फ्लैट ही रहती है, वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, बट ये एक ऐसा बॉलर है जो फ्लैट विकेट पे भी बैट्समैन को ट्रबल कर सकता है और 2-3 विकेट निकाल सकता है मिडिल ऑर्डर के, तो ये बंदा आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। ये 3 पिक्स CSK की तरफ से आपकी टीम में रखना आप ग्रैंड लीग में। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। पहला नाम स्ट्रेट अवे जो दिमाग में सबके आ रहा होगा वो है हार्दिक पांड्या। यार ये बंदा इस साल आई थिंक अपनी पीक पे एज अ बैट्समैन, सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर है इस सीजन का, 4 पे खेल रहा है इस साल और 4 ओवर भी दे रहा है अपनी टीम को हर मैच में, तो ये ऑलराउंडर तो यार डेफिनेटली ग्रैंड लीग में होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग इसका फॉर्म है करंट, तो ये नो ब्रेनर है, हार्दिक पांड्या को जरूर रखना अपनी टीम में। दूसरा नाम यार शुभमन गिल। शुभमन गिल क्यों अच्छा रहा है इनका बहुत इस साल सीजन, अभी तक 40 का एवरेज है, 152 का स्ट्राइक रेट है, लास्ट 2 मैच जरूर इनके हल्के गए हैं, बट इस मैच में टर्न अराउंड कर सकते हैं अपनी बैटिंग और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो CSK की बॉलिंग अगर आप देखो, ज्यादा कोई ऐसा बॉलर मुझे दिख नहीं रहा जो शुभमन गिल को ट्रबल कर सकता है, तो इसी वजह से शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग टच प्लेयर है। टच प्लेयर्स आई थिंक MCA के ग्राउंड पे अच्छा करने वाले हैं जो गैप्स फाइंड करते हैं। ज्यादा पावर हिटर्स आपको नहीं चाहिए पुणे के ग्राउंड में, क्योंकि टाइम करते हो बॉल और गैप में जाती है बॉल तो 4 या 6 हो जाता है, तो इसलिए शुभमन गिल एक परफेक्ट चॉइस है ग्रैंड लीग के। एक और प्लेयर जो गुजरात टाइटन्स का यार जिन्होंने मेरे को बहुत इंप्रेस किया हुआ है, अभिनव मनोहर। ये एक नया फिनिशर गुजरात टाइटन्स का आपकी टीम में जरूर रखना। क्यों रखना, क्योंकि वही बात आ जाती है CSK के पास बॉलर्स कौन है, जितने भी बॉलर्स हैं जॉर्डन हो गए, चौधरी हो गए या फिर ब्रावो हो गए, इनके पास ज़्यादा पेस नहीं है, मीडियम पेसर्स हैं और मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट ना ये बहुत अच्छा खेलते हैं। इस साल इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, तो इनको भी अपनी टीम में ज़रूर रखना। आखिरी नाम, एक और नाम जो गुजरात टाइटन्स का बंदा आपकी टीम में होना चाहिए वो है लॉकी फर्गसन। लॉकी फर्गसन चाहे 30-40 रन खा ले, 50 रन खा ले, बट वो विकेट जरूर लेता है। और अगर आप मिडिल ऑर्डर देखो CSK का, मोइन अली स्ट्रगल करता है पेस एंड बाउंस के अगेंस्ट, उथप्पा कभी कभार स्ट्रगल करता है, ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्रगल करता है, दुबे करता है, राइडू करता है, तो ये जो मिडिल ऑर्डर है ना इसको अटैक करने वाला है फर्गसन, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये 2-3 विकेट निकाल सकता है। मिडिल ऑर्डर देखते हुए, CSK की बैटिंग लाइनअप देखते हुए, फर्गसन तो मस्ट पिक है आपकी ग्रैंड लीग में। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं यार आपके फेवरेट सेगमेंट की, कैप्टन किसको बनाना है, वाइस कैप्टन किसको बनाना है ग्रैंड लीग में CSK और गुजरात टाइटन्स के मैच के लिए।
तो दो कॉम्बिनेशन हर बार की तरह मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ट्राई कर लेना। मेरे को लगता है कि ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं ये चल सकते हैं इस मैच के लिए। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है इसमें मैं कैप्टन बनाऊंगा मोइन अली को। बात कर लिया यार, मोइन अली 3 लेफ्टीज हैं, विकेट ले सकते हैं, पिच सूट करेगी पुणे की तो रन भी मार सकते हैं। और दूसरा जो वाइस कैप्टन होना चाहिए वो है हार्दिक पांड्या। कैप्टन मोइन अली, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के बारे में जितनी बात करो कम है, आउटस्टैंडिंग फॉर्म चल रहा है यार। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन का पहला कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। दूसरा थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट फर्गसन, जैसा कि मैंने बात करी ना कि मिडिल ऑर्डर जो है टेंटेटिव है अगेंस्ट हाई पेस बॉलर्स के अगेंस्ट, तो लॉकी फर्गसन विकेट्स ले सकते हैं। तो कैप्टन बना सकते हो आप लॉकी फर्गसन को, वाइस कैप्टन आप बना सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ को। अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है, बट जैसा कि मैंने पहले कहा घर पे खेलेंगे, अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार इस मैच में ये रन्स तो बनाने वाले हैं। तो सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया कैप्टन फर्गसन, वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। तो यार ये तो बात हो गई फैंटेसी पिक्स की, कैप्टन वाइस कैप्टन की। अब बात कर लेते हैं टीम्स कहाँ पे आपको बनानी है। यार देखो, फैंटेसी टीम आपको बनानी है आई गेमियों के ऐप पे। अपने भाई की बात मानो, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो, बहुत ही अच्छा फैंटेसी ऐप है। रोज कोई ना कोई ऑफर चलते रहते हैं, और एक बार आपने टीम बना ली ना तो आपको खुद ही पसंद आ जाएगा ये ऐप। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, अभी जाके टैप कर लो और डाउनलोड कर लो ये ऐप। मैं कूपन कोड देने वाला हूँ आपको फिर से INDFAN20। ये कूपन कोड यूज कर लेना, 20% तक रियल कैश मिल जाएगा आपको डिपॉजिट करने पे। तो टीम आपको बनानी है आई गेमियों पर। तो यार ये तो बात हुई चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के मैच की। मैंने आपको बता दिया फैंटेसी पिक्स कौन से लेने हैं ग्रैंड लीग में, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से होने चाहिए, टीम्स कहाँ पे बनानी है आपको। तो बेस्ट ऑफ लक, आई होप ये जो भी मैंने पिक्स दिए हैं आपको ये अच्छा परफॉर्म करें और आप बहुत बड़े अमाउंट जीतो। तो इतना ही था यार इस वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में बता देना तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।